और खबर रायपुर से है, जहां डीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। मांगों को लेकर सीएम हाउस ज्ञापन देने निकले थे और सीएम हाउस के पास पुलिस ने अभ्यर्थियों को रोक दिया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कोर्ट के फैसले के मुताबिक नियुक्ति की मांग कर रहे थे 3881 पदों में नियुक्ति देने की मांग की जा रही है। 2 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन धरने पर अभ्यर्थी बैठे हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, लगातार ये अभ्यर्थी बैठे हैं सीएम हाउस के बाहर, क्या किसी तरह से कोई बातचीत अभी की गई है? देखिए, अभ्यर्थियों को उठाया गया है यहाँ से, धारा 144 और चुनाव आचार संहिता लगने का हवाला देकर पुलिस अधिकारियों ने अनाउंसमेंट किया और यहाँ से उन्हें उठाया गया है। जबरन उठाने का आरोप लगातार यहाँ पे अभ्यर्थी लगा रहे हैं। देखिए, बसों में भरा जा रहा है, अभ्यर्थियों को ले जाया कहाँ जा रहा है ये भी नहीं बताया जा रहा है। तो अभ्यर्थियों को बड़ा अपडेट यही है कि यहाँ से उठाया गया है। ये देखिए, लगातार अधिकारी अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि यहाँ से हटाया जा रहा है, और चूंकि धारा 144 लगी है तो यहाँ आप लोग सर हमें ना शांतिपूर्ण ढंग से हमने अपनी मांग को रखने के लिए आए थे, लेकिन सरकार द्वारा प्रशासन द्वारा ताना सही करके हमें जबरदस्ती उठाकर इस बस में भर के ले जा रहे हैं और हमें बोलते हैं धारा 144 और आचार संहिता का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो आदेश है उसका उल्लंघन कुछ सरकार कर रही है, प्रयोग क्या है सर? अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन है तो वो क्या है? वो संविधान का उल्लंघन नहीं है? हम लोग यहाँ बैठे हैं तो वो उल्लंघन है? समझ नहीं आता सर, सरकार हमारे साथ ऐसा क्यों भेदभाव कर रही है? झूठ के पैरों तले सर को दबाया जा रहा है सर। ये बड़ा अपडेट मैं जो बताऊं कि ये बसों में देखिए ये अभ्यर्थियों को यहां से उठा के भरा गया है। अनाउंसमेंट की गई कि धारा 144 लगा हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री निवास के एकदम करीब का ये एरिया है। साथ साथ चुनाव आचार संहिता का भी हवाला दिया गया, प्रतिबंधित क्षेत्र का हवाला दिया गया और ये बोला गया देखिए ये बस को रवाना किया जा रहा है। सरकार की ये कैसी बर्बरता है जो हमारे डीएड नियुक्त साथियों पर अन्याय कर रहे हैं? ये देखिए, ये बसों को रवाना किया जा रहा है। 2 बसों में अभ्यर्थियों को रवाना किया गया है। ये तीसरी बस आई थी, अभी भी जो महिला अभ्यर्थी है वो यहाँ पे मौजूद हैं। और ये देखिए, ये महिला अभ्यर्थी और यहाँ पे महिला पुलिस बल भी लग गया है। प्रवीण, अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि दिखाए तस्वीरें, ये महिला पुलिसकर्मी भी लग गई हैं। ये जो महिला अभ्यर्थी हैं उन्हें लेके जा रहे, ये रो रही हैं। ये तस्वीरें आप क्यों रोने क्यों लगे? मत रोइए, रोने क्यों लगे आप? डेढ़ साल से हम लोग भटक रहे हैं, अभी तक भी भाग या बीजेपी सरकार का कोई भी व्यक्ति जो पदाधिकारी है हम लोगों से मिलने तक नहीं आ रहे हैं। आज जब हम लोग यहाँ पास है सीएम आवास में ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे, क्योंकि शिक्षा विभाग में अभी तक कोई मंत्री को पद पर रखा नहीं गया है। हम लोग चाहते थे या तो शिक्षा सचिव आकर के हम लोगों से बात कर ले, या तो फिर हमें, क्योंकि शिक्षा विभाग में अभी तक किसी को दायित्व नहीं दिया गया, तो वो दायित्व रहता है सीएम सर के पास, तो हम लोगों को नहीं तो उनसे मिलने दिया जा रहा है और हमारे साथी को पुलिस प्रशासन जबरदस्ती पकड़ करके ले जा रही है। उनके साथ क्या बस सलूक करती है हमें नहीं पता। यहाँ पास धरना मत करो बोल रहे हैं ये पुलिस प्रशासन। धरना स्थल यदि बनाया गया तो हमें वहाँ पास शांतिपूर्वक धरना धरने देते ना, क्यों कर रही है ऐसा बताओ हमें? क्यों इतना देखा किया जा रहा है? क्यों दूसरे पक्ष का साथ दिया जा रहा है? आखिर में हमने क्या बिगाड़ा है बीजेपी सरकार का और विभाग का? यदि वो अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को बंद कर दे, ताला जड़ दे। क्या जरूरत है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का? वही अंतिम होता है निर्णय के लिए, जब उससे अंतिम निर्णय आ चुका है गवर्नमेंट से। लोग रो रही है, मतलब कि परेशान? जी सर, मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, लेकिन फिर भी सूता धरना पे 20 दिन से लगातार बैठे हुए हैं। मेरा हेल्थ प्रॉब्लम है, उसके बावजूद भी यह पुलिस प्रशासन हम लोगों के साथ बदसलूकी कर रही है। आंखों से आंसू छलक रहे हैं इनके और बैठ नहीं पा रही हैं, बोल रही हैं लगातार। आप भी साथ में हैं? जी, हम भी साथ में ही हैं और देख सकते हैं कि मैं किस तरह से हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ पे हमें तूते धरने स्थल से बाहर निकाल दिया गया है, यहाँ पे आ रहे हैं धरना देने के लिए, तो यहाँ से हमें भगाया जा रहा है। कहाँ जाए हम धरना देने के लिए? कहाँ अपनी मांगों को रखे आप ही बताइए। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का तो मतलब ही नहीं रहा यहाँ पे। तो आप लोगों को भी उठाने की तैयारी है? जी, हम लोगों को उठाने के लिए है। यहाँ पर 2-3 दिन बसें बुला करके रखे हुए हैं। यहाँ पर महिला पुलिस फोर्स है, पुरुष पुलिस फोर्स है, बलपूर्वक यहाँ पर जबरदस्ती हमारे साथियों को पकड़ करके ले जाया गया है। ये देखिए, ये रो रही हैं और फूट फूट के रो रही हैं और कैमरे पे फूट फूट के रो रही हैं, इसलिए समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी हैं। मांग लंबे वक्त से हैं लोगों की। और ये देखिए, यहाँ पे जो ये महिला अभ्यर्थी हैं ये यहाँ पे अभी बैठी हुई है, लेकिन जो यहाँ पे मेल अभ्यर्थी थे उन लोगों को ले जाया गया है बसों में। और फिर से एक बस यहाँ पे तैयार है, जो कुछ बचे हैं उन लोगों को यहाँ पे, जाली वाली बस है। सत्यप्रकाश, ये बस जिसमें जो पुरुष अभ्यर्थी हैं इनको कहाँ लेकर के जाया जा रहा है इस वक्त, क्या इसको लेकर के कोई जानकारी है?
देखिए अभी इस बाबत नहीं बताया जा रहा है, हालांकि क्या इन्हें लेकर सेंट्रल जेल परिसर जाया जा रहा है या क्या तूता धरनास्थल जहां बैठे थे वहां ले जाया जा रहा है या कहां ले जाया जा रहा है, इस बाबत अभी कोई पुष्ट जानकारी नहीं सामने निकल के आई है। ऐसी संभावना ज़्यादा है कि चूंकि तूता धरनास्थल पर इन्हें धरने की परमिशन है और अनिश्चितकालीन 2 अक्टूबर से ये लोग धरना कर रहे हैं वहां पे, तो हो सकता है कि तूता धरनास्थल लेकर जाया जा रहा हो, लेकिन फिलहाल इस बाबत कोई अधिकारी कुछ बता नहीं रहा है। तो फिलहाल तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए बसों से इन्हें लेकर जाया जा रहा है, जो महिला अभ्यर्थी हैं वो अभी भी यहाँ पे मौजूद है।